नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। मैं हूं तपन चौधरी, उपस्थित हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों यहां पर 7 जुलाई 2024 को उन सभी विद्यार्थियों का सीटेट का एग्जाम होना है जो यहां पर सीटेट के लिए तैयारी कर रहे थे। दोस्तों जिसके अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए दोस्तों, तो बच्चे यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, आपके जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियली जो CBSE दोस्तों उसने अपलोड कर दिए है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चले चलते हैं इसके दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए दोस्तों यह है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, सीटेट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों आपको यहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों ये लिंक है वो आ चुकी है, आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड सीटेट जुलाई। दोस्तों इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, जिसके ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन नंबर, आपने फॉर्म भरा था अप्लाई किया था तो आपके पास उसका प्रिंट आउट होगा या फिर दोस्तों आपके पास PDF होगी फोन के अंदर, तो उसके अंदर आपको आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो डाल देना है। फिर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ पर, और फिर दोस्तों ये जो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, और सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका जो एडमिट कार्ड है वो है आ जाएगा, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका नेम है, रोल नंबर है, दोस्तों फादर्स नेम है, और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर लिखा हुआ है कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है, आपका एग्जाम सेंटर दोस्तों ये है, यह आपका एड्रेस है, फिर आपका नेम है, फिर आपका फादर्स नेम है, और दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर है, आपका रोल नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, फिर दोस्तों यहाँ पर आपने एग्जाम के लिए लैंग्वेज वन कौन सब्जेक्ट लिए है, लैंग्वेज टू आपने क्या ली है, और पेपर सेकंड के अंदर आपने क्या सब्जेक्ट लिया है, सो आपने SST लिया है, आपने साइंस लिया है, आपने कॉमर्स लिया है, आपने क्या लिया है वो है आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों फिर आपका यहाँ पर एग्जाम टाइम है जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 10:30-12 बजे तक का, यानी आपको 10:30-12 बजे तक एग्जाम होगा, जिसके लिए आपकी जो एंट्री है वो स्टार्ट हो जाएगी 7:30 से, और 9:30 बजे तक आप एग्जाम हॉल में एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो पहली बात तो यह है कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों यह आपको ऑफलाइन मोड में हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर CBSE ने साफ साफ बोल दिया कि आपको अपना खुद का एक बॉल पेन, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, वह आपको लेके जाना है। दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, और इसके साथ साथ कोई भी दोस्तों आपको एक आपकी ID लेके जानी है जिसके अंदर आपका फोटो हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर ID हो दोस्तों, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो आप इनमें से कुछ भी लेके आ सकते हैं एक फोटो ID के तौर पर। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि यहाँ पर आपके जो बारिश का मौसम चल रहा है, तो दोस्तों ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने निकले और बारिश शुरू हो जाए, तो दोस्तों अगर आप सेंटर, आप जहां भी रह रहे हैं आपके रूम पे या दोस्तों आपके घर पे, वहां से अगर आपका सेंटर मान लीजिए दोस्तों आधे घंटे की दूरी पर है, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप कम से कम 3 घंटे पहले निकलें, क्योंकि दोस्तों बारिश की वजह से क्या होता है ट्रैफिक जैम हो जाता है, और दोस्तों आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपका आधा घंटा दोस्तों 2 घंटे में बदल जाएगा, 3 घंटे में बदल जाएगा, और आप अपने सेंटर पर दोस्तों टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है CBSE ने कि 9:30 बजे दोस्तों बाद में 1 मिनट के ऊपर होती है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आपकी एंट्री सिर्फ 9:30 बजे तक ही होगी, इसलिए आप दोस्तों अपने घर से मैं तो यह बोलूंगा कम से कम 4 घंटे पहले निकलें, जिससे आप ट्रैफिक से या बारिश से बच पाएं और अपना एग्जाम सही से दे पाएं। तो दोस्तों यह थी आप सब लोगों के लिए सीटेट के एडमिट कार्ड निकालने को लेकर संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक या अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, आपका दिन शुभ हो।